जहाँ होता है संपूर्ण विघ्नों का विनाश। जी हाँ, स्वागत है आपका। आज मैं आपको ले चल रहा हूँ महाराष्ट्र प्रांत के पुणे शहर में स्थित दगड़ूशेठ हलवाई गणपति मंदिर की ओर। अति प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर जिसका निर्माण वर्ष 1893 में दगड़ूशेठ हलवाई ने करवाया, उन्हीं के नाम पर इस गणपति मंदिर का नाम रखा गया। मंदिर के दर्शन करने के पहले इस मंदिर का इतिहास जानते हैं। दगड़ूशेठ एक प्रसिद्ध हलवाई और व्यापारी थे जो कि लातूर से पुणे रहने आए। वर्ष 1800 में इनके पुत्र का निधन प्लेग की महामारी से हो गया, जिससे दगड़ूशेठ एवं इनकी धर्मपत्नी काफी तनावग्रस्त हो गए। तब यह देखकर उनके गुरु श्री माधवनाथ महाराज ने एक गणेश मंदिर बनवाने को कहा। लोकमान्य तिलक, जो कि दगड़ूशेठ के बहुत ही घनिष्ठ मित्र थे, उन्होंने दगड़ूशेठ की गणेश के प्रति श्रद्धा भक्ति देखकर यह निर्णय लिया कि क्यों ना पूरे भारतवर्ष में गणेश उत्सव के रूप में गणेश पर्व को मनाया जाए। और इसी मंदिर के निर्माण के बाद पूरे विश्व में, पूरे भारत में 10 दिनों तक गणेश उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। तो आइए अब आपको इस मंदिर के दर्शन कराते हैं। इस मंदिर के मुख्य द्वार पर जय विजय द्वारपाल की संगमरमर की मूर्तियां स्थित हैं। द्वार पर दोनों तरफ चांदी के बड़े दीप स्तंभ एवं चांदी के एक मूसक महाराज भी स्थित हैं। गणेश जी की प्रतिमा इस प्रकार स्थापित की गई है ताकि मंदिर के मुख्य द्वार से भी इसके दर्शन हम कर सकें। यहाँ नित प्रति अभिषेक, आरती, हवन होते ही रहते हैं। 10 दिन चलने वाले गणेश उत्सव में महाराष्ट्र प्रांत की विभिन्न हस्तियाँ, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज यहाँ आते हैं और भगवान गणेश के दर्शन करते हैं। अगर आप इस अति प्राचीन मंदिर के दर्शन करना चाहते हैं तो पुणे स्टेशन से केवल 3 किलोमीटर की दूरी पर बिल्कुल बीचों बीच यह स्थित है। जगह का नाम है बुधवार पेठ।